Hello friends, welcome to Studypedia. Today we discuss about AIIMS 2018 exam pattern and cutoffs for various AIIMS in India. So friends, इस वीडियो के अंदर हम AIIMS के एग्जाम के बारे में और कटऑफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर MBBS करने के लिए आपको टॉप क्लास का जो इंस्टीट्यूट मिलेगा MBBS के लिए वो है AIIMS, ये आप सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एडमिशन कैसे लें? तो इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए AIIMS एक अलग से इंडिविजुअल एग्जाम कराता है जो कि हर साल होता है। उसके अंदर आपको अपेयर करना होता है और उसके अंदर आपको सेलेक्ट होना पड़ता है। हमारी कंट्री के अंदर 7 AIIMS हैं, जिसमें सबसे पहला है AIIMS दिल्ली, उसके बाद में आता है AIIMS पटना, AIIMS जोधपुर, AIIMS भुवनेश्वर, AIIMS भोपाल, AIIMS रायपुर एंड AIIMS ऋषिकेश है। जहां तक बात है पेपर पैटर्न की, तो उसके लिए आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके अंदर आपको 60 फिजिक्स के, 60 बायोलॉजी के, 60 केमिस्ट्री के और 20 में से 10 मिलते हैं जीके के और कुछ मिलते हैं मेंटल एबिलिटी के। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी देखते हैं तो 60 जो तीनों ही सब्जेक्ट्स के हैं, उसके अंदर से इसके जो 40 क्वेश्चंस हैं वो तो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के और जो 20 क्वेश्चंस पीछे बच जाते हैं वो होते हैं एसर्शन और रीजन टाइप के। तो मार्किंग सिस्टम है वो है +1 और -1/3। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात गलत है AIIMS दिल्ली की। तो AIIMS दिल्ली के अंदर आपको अगर सेलेक्ट होना है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपको टॉप 60 या टॉप 50 के आसपास रहना पड़ेगा ऑल इंडिया की रैंकिंग के अंदर, और उसके लिए आपको 135 प्लस से 140 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, टॉपर का स्कोर किसी को पता नहीं चलता है, सिर्फ उसी को पता होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने लिया है तो उससे पता चला कि टॉपर का जो स्कोर होता है वो 150 के आसपास होता है। तो आपका जो 140 या फिर 135 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं AIIMS दिल्ली के अंदर एडमिशन के लिए। और उसके बाद में भी आपका ये पक्का नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में भी कुछ इंटरव्यूज होते हैं जो कि आपसे प्रश्न लिए जाते हैं, उसके बाद ही आपका ये कंफर्म किया जाता है कि आप इस AIIMS दिल्ली के अंदर एडमिशन ले पाएंगे या फिर नहीं। और उसके बाद में नेक्स्ट AIIMS आता है AIIMS जोधपुर। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको टॉप 500 के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, और अगर सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो टॉप अगर आप 600 या 700 लास्ट, इससे ऊपर नहीं जाता जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में आपको मिल जाएगा ऋषिकेश में, मिल जाएगा रायपुर में, मिल जाएगा पटना के अंदर, आपको लास्ट तक मिलेगा वो आपको 2,500 से 3,000 के बीच में भी मिल जाएगा। तो क्वालिफाइंग कटऑफ्स है वो होती है जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए रहता है 45% एंड एससी एंड एसटी के लिए रहता है 40%। अगर बात कर लेते हैं AIIMS 2017 की कटऑफ के लिए या फिर AIIMS 2017 एग्जाम की जो क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल थी वो क्या थी, तो जनरल के लिए थी वो 99.0014 एंड ओबीसी के लिए थी 97.4205 एंड एससी एंड एसटी के लिए थी 94.1220। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो है वो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है जो कि आपकी रैंक पर बेस्ट होता है, और परसेंटाइल जो है वो टॉपर के मार्क्स को देखकर निकाला जाता है। और अगर हम बात करते हैं AIIMS 2016 के एग्जाम की जो लास्ट रैंक की कट ऑफ थी वो ये है।
और जहां तक बात गलत है काउंसलिंग की, तो वो होती है ऑनलाइन। जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होगा वो होगा ऑनलाइन के थ्रू, और जो थर्ड या फिर मॉपअप राउंड होगा वो होगा ऑफलाइन। इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये मैंने आपको बताया एम्स एग्जाम के बारे में और इस कुछ कट ऑफ्स के बारे में और वेरियस एम्स की कुछ रैंकिंग के बारे में, जिससे आपको पता लग सके कि एम्स एग्जाम कैसा है, इसका पेपर का पैटर्न कैसा है और कट ऑफ्स क्या रह सकती हैं और आपको कैसे अचीव करना है। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है एम्स के जो पेपर है उसके क्वेश्चन के बेस ऊपर, तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्या आपको एसएलसी रीजन में प्रॉब्लम आती है, क्या आपने एसएलसी रीजन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, और जो एम्स का जो पेपर का पैटर्न है क्या हार्ड रहता है, फिजिक्स का पेपर कैसा रहता है, केमिस्ट्री का कैसा रहता है, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट के अंदर बताइए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।